प्रिय छात्र छात्राओं, सने भरा नमस्कार। आप सभी 12वीं BSEB एवं CBSE इंटरमीडिएट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षार्थियों का आज के 12वीं मनोविज्ञान विषय के चैप्टर 5 के टॉपिक थेरेप्यूटिक अप्रोचेज अर्थात चिकित्सकीय उपागम के पार्ट 2 क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज इस चैप्टर के टॉपिक थेरेप्यूटिक अप्रोचेज यानी चिकित्सीय उपागम के पार्ट 2 क्लास के अंतर्गत कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तरों को जानने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 5 के अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही जानकारी के लिए आज का पार्ट 2 क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस पार्ट 2 क्लास में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तर को जानेंगे और परीक्षार्थी विशेष रूप से अपने अध्ययन सामग्री को सुदृढ़ करते हुए अच्छे से परीक्षा की तैयारी करेंगे। आशा करते हैं आज का पार्ट 2 क्लास आप सभी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आज के पाठ का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है, इनमें से व्यवहार चिकित्सा बिहेवियर थेरेपी के किस प्रविधि में व्यक्ति किसी भूमिका का प्रेक्षण करके अपने कुसमायोजित व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को एक बार फिर से आप सभी परीक्षार्थियों के लिए दोहराते हैं, इनमें से व्यवहार चिकित्सा बिहेवियर थेरेपी के किस प्रविधि में व्यक्ति किसी भूमिका का प्रेक्षण करके अपने कुसमायोजित व्यवहार में परिवर्तन लाता है। वैकल्पिक उत्तर ए, मॉडलिंग प्रविधि में, बी, विमुखी अनुबंधन प्रविधि में, सी, टोकन इकोनॉमी प्रविधि में, डी, क्रमबद्ध असंवेदीकरण प्रविधि में। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, मॉडलिंग प्रविधि में। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, शर्त रहित स्वीकारात्मक सम्मान अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पर इनमें से किस चिकित्सा विधि में सर्वाधिक बल दिया जाता है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, शर्त रहित स्वीकारात्मक सम्मान यानी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पर इनमें से किस चिकित्सा विधि में सर्वाधिक बल दिया जाता है। वैकल्पिक उत्तर ए, व्यवहार चिकित्सा में, बी, मनोनाटक में, सी, रोगी केंद्रित चिकित्सा में और डी, मनोगत्यात्मक चिकित्सा में। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी, रोगी केंद्रित चिकित्सा यानी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में शर्त रहित स्वीकारात्मक सम्मान यानी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें से किसका आधार पारस्परिकता अवरोध का नियम यानी प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन होता है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, इनमें से किसका आधार पारस्परिकता अवरोध का नियम प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन होता है। वैकल्पिक उत्तर ए, मनोनाटक का, बी, क्रमबद्ध असंवेदीकरण का, सी, मॉडलिंग का और डी, विमुखी अनुबंधन का।
इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी, क्रमबद्ध असंवेदीकरण का, यानी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक में पारस्परिकता अवरोध का नियम लागू होता है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, इनमें कौन व्यवहार चिकित्सा की परिविधियों में शामिल नहीं है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन व्यवहार चिकित्सा की परिविधियों में शामिल नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए, मॉडलिंग एवं टोकन इकोनॉमी विधि, बी, क्रमबद्ध असंवेदीकरण विधि, सी, विमुखी अनुबंधन विधि और डी, रोगी केंद्रित चिकित्सा। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी, रोगी केंद्रित चिकित्सा, यानी क्लाइंट सेंटर थेरेपी, जिसका प्रतिपादन कार्ल रोजर्स ने किया था। यह विधि व्यवहार चिकित्सा यानी बिहेवियर थेरेपी की परिधियों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, श्वसन अभ्यास ब्रीथिंग प्रैक्टिस को योग में क्या कहा जाता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, श्वसन अभ्यास यानी ब्रीथिंग प्रैक्टिस को योग में क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए, आसन, बी, योग, सी, कुंडलिनी जागरण और डी, प्राणायाम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, प्राणायाम। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए छात्र छात्राएं आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को याद करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न एक बार फिर से दोहराते हैं, व्यवहार चिकित्सा इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? वैकल्पिक उत्तर ए, भूलने के सिद्धांत पर, बी, सीखने के सिद्धांत पर, सी, योग के सिद्धांत पर और डी, प्रत्यक्षण के सिद्धांत पर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी, सीखने के सिद्धांत पर, यानी बिहेवियर थेरेपी जो होता है ये शिक्षण या सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, व्यवहार चिकित्सा के किस प्रविधि में रोगी को वास्तविक परिस्थिति में रखकर उसमें अधिक मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है ताकि उसका उपचार हो सके? वैकल्पिक उत्तर ए, मॉडलिंग प्रविधि में, बी, विरुचि चिकित्सा में, सी, फ्लोडिंग में और डी, क्रमबद्ध असंवेदीकरण प्रविधि में। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी, फ्लोडिंग टेक्निक में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें से किस योग विधि में जल्दी जल्दी व्यक्ति को सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास कराया जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए, सुदर्शन क्रिया योग में, बी, राजयोग में, सी, कुंडलिनी योग में और डी, आसन में। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, सुदर्शन क्रिया योग में। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, रोगी केंद्रित चिकित्सा विधि यानी क्लाइंट सेंटर थेरेपी का प्रतिपादक कौन है? वैकल्पिक उत्तर ए, मैस्लो, बी, रोजर्स, सी, फ्रायड और डी, एडलर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी,
रोजर्स। अगला प्रश्न, मनोगत्यात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। मनोगत्यात्मक चिकित्सा यानी साइकोडायनेमिक थेरेपी का संबंध किस व्यक्ति से है? वैकल्पिक उत्तर ए, यंग एवं एडलर से, बी, टीचनर से, सी, फ्रायड से, डी, रोजर से। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी, फ्रायड से। फ्रायड ने ही मनोगत्यात्मक चिकित्सा विधि को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? वैकल्पिक उत्तर ए, विटमर, बी, फ्रायड, सी, हिप्पोक्रेटस और डी, रोजर्स। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी, हिप्पोक्रेटस। यानी हिप्पोक्रेटस को ही आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें से किस चिकित्सा विधि में क्लासिकी अनुबंधन के नियमों का उपयोग किया जाता है? चार छात्राएं ध्यान देंगे, यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें से किस चिकित्सा विधि में क्लासिकी अनुबंधन के नियमों का उपयोग किया जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए, व्यवहार चिकित्सा में, बी, लोगो चिकित्सा में, सी, मनोगत्यात्मक चिकित्सा में और डी, इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, व्यवहार चिकित्सा में। यानी व्यवहार चिकित्सा में क्लासिकी अनुबंधन के नियमों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के उपचार में इनमें से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी विधि है? वैकल्पिक उत्तर ए, विपाशना, बी, आसन, सी, कुंडलिनी योग, डी, सुदर्शन क्रिया योग। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी, कुंडलिनी योग। अगला प्रश्न, इनमें से कौन क्रमबद्ध असंवेदीकरण विधि का प्रतिपादक है? वैकल्पिक उत्तर ए, ओल्पे, बी, वेंडुरा, सी, रोजर्स, डी, फ्रायड। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, ओल्पे। ओल्पे ने ही 1958 में क्रमबद्ध असंवेदीकरण विधि को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन मानवतावादी अस्तित्ववादी चिकित्सा यानी ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए, रोगी केंद्रित चिकित्सा यानी क्लाइंट सेंटर थेरेपी, बी, गेस्टाल चिकित्सा यानी गेस्टाल थेरेपी, सी, अस्तित्ववादी चिकित्सा यानी एग्जिस्टेंशियल थेरेपी और डी, क्रमबद्ध असंवेदीकरण चिकित्सा सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी, क्रमबद्ध असंवेदीकरण विधि। यह विधि व्यवहार चिकित्सा की एक प्रविधि है, जबकि रोगी केंद्रित चिकित्सा विधि को कॉल रोजर्स ने प्रतिपादित किया था, जो नॉन डायरेक्टिव थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि अनिर्देशात्मक चिकित्सा भी कहा जाता है। गेस्टाल चिकित्सा को फ्रेडरिक पल्स ने 1970 में प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, इनमें से कौन सी योग की प्रविधि उत्तर आघातीय प्रतिबल विकृति यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर अर्थात PTSD के उपचार में सबसे उपयोगी विधि है? वैकल्पिक उत्तर ए, कुंडलिनी योग, बी, सुदर्शन क्रिया योग, सी, प्राणायाम और डी, आसन।
प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी, सुदर्शन क्रिया योग, यानी पीटीएसडी के उपचार में सुदर्शन क्रिया योग का काफी उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें से किस विधि का उपयोग वैकल्पिक चिकित्सा की परविधि के रूप में किया जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए योग, बी मनन, सी ए तथा बी और डी सूझ चिकित्सा। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी ए तथा डी, यानी वैकल्पिक चिकित्सा की परविधियों के अंतर्गत योग और मनन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, मनोचिकित्सा की किस प्रविधि में मन तथा शरीर की एकता पर बल दिया जाता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, मनोचिकित्सा की किस प्रविधि में मन तथा शरीर की एकता पर बल दिया जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए अस्तित्ववादी चिकित्सा में, बी रोगी केंद्रित चिकित्सा में, सी मनोज्ञात्मक चिकित्सा में और डी गेस्टाल्ट चिकित्सा में। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी गेस्टाल्ट चिकित्सा। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें किस विधि में क्लासिकी अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए लोगो चिकित्सा, बी मानवतावादी उपागम, सी मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा और डी व्यवहार चिकित्सा। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी व्यवहार चिकित्सा। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन मनोचिकित्सा यानी साइकोथेरेपी का उद्देश्य है? वैकल्पिक उत्तर ए अनुकूली व्यवहार, बी आत्मचेतना, सी सकारात्मक वर्धन और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।